हम ट्रेन करेंगे चेस्ट, जैसे वो पता है कि हमारा मसल गेन प्रोग्राम चल रहा है और उसमें थोड़ा सा वेट हम लोग ज्यादा लेंगे, रैप्स कम लेंगे। आज मेरे साथ है प्रमाणु शर्मा। सो आज हम चेस्ट में करेंगे 5 वेरिएशन। कौन कौन से? We will be starting with flat bench press, then we will switch to incline double press, then followed with the decline bench press, followed with the incline double flies, and we'll be ending our workout with decline cable flies. Okay guys, ये 5 workout हम लोग करेंगे। ध्यान रखो हम लोग क्या form है, डिटेल में वीडियो बनाई है इसके लिए, किस तरीके से आप form देखोगे, weights आपको choose करना है, and ध्यान रखना workout से पहले warm up is very important, नहीं तो आपके joints में सो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज वर्कआउट वार्म अप से। बहुत से लोगों को देखा है गाइस, वर्कआउट से पहले वो लोग वार्म अप नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो हार्ट रेट है एंड जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ नहीं होता है और उनको लिफ्टिंग में प्रॉब्लम आती है और फिर वो चीज़ इंजरी करती है। वार्म अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप 5 से 10 मिनट अच्छे से वार्म अप करिए। आप चाहे तो 5 से 10 मिनट कार्डियो भी कर सकते हैं एज ए वार्म अप। एंड ज़रूरी नहीं कि आप चेस्ट वर्कआउट कर रहे हो तो सिर्फ चेस्ट को स्ट्रेच करें, आप अपनी ओवरऑल बॉडी को अच्छे से वार्म करें, जितने भी जॉइंट्स हैं बॉडी के, लेग्स, एल्बोज, नीज, सब को अच्छी तरीके से वार्म अप करें। एंड लाइट वेट डंबल्स का यूज़ करें रोटेशंस के लिए, ताकि क्योंकि चेस्ट आप परफॉर्म करेंगे आज, ट्रेन करेंगे चेस्ट, एंड उसके साथ शोल्डर एंड ट्राइसेप्स का भी पम्प होना बहुत ज़रूरी है, वो एक ग्रुप मसल में आते हैं। सो लाइट वेट का डंबल्स, लाइट डंबल्स का आप यूज़ करें एंड बहुत स्लोली स्लोली रोटेशन करें, 10 से 12 बार इसको करें, जिससे आपके हार्ट रेट, आपके जॉइंट्स और ब्लड फ्लो बेटर। सो हमारा जो फर्स्ट वर्कआउट रहेगा वो रहेगा फ्लैट बेंच प्रेस। दोनों पाँव को आप फ्लोर पे अच्छी तरीके से जमा के रखिए, हाथ आपकी जो एल्बोज़ हैं वो स्लाइटली बेंड रहेंगे, वेट्स आप इतना लगाइए जितना आप कंट्रोल कर सकें। फर्स्ट सेट है, वार्म अप सेट है, 10 से 12, 12 से 15 हम लोग रैप्स निकालेंगे। बैक आर्च होना चाहिए, आपके जो शोल्डर्स हैं वो ट्रैक्ट होना चाहिए, ताकि आपको शोल्डर की कोई इंजरी ना हो, बैक पे स्ट्रेस ज़्यादा ना पड़े। फ्लैट बेंच प्रेस हमारे लोअर चेस्ट पे काम करता है एंड इसके हम 4 सेट लेंगे। एक हमारा वार्म अप सेट रहेगा 15 रैप्स का, उसके बाद जो सेकंड सेट रहेगा वो रहेगा 10 रैप्स का, फिर 8 रैप्स का और फिर 6 रैप्स का। वेट आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ाते जाएंगे। ध्यान रखिए सपोर्ट आप लास्ट सेट में लें, अगर हैवी वेट आपको लगता है कि आपको नीड है, कोशिश करिए कि वर्कआउट सेल्फ हो, ज़्यादा ट्रेनर का सपोर्ट ना लेना पड़े, जिससे आपको 100% परफॉर्मेंस मिले। एंड ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का ध्यान दें, जब आप वेट्स को नीचे लेकर आएँ, स्लोली लेकर आएँ, ब्रीथ इन करें, प्रेस करते समय ब्रीथ आउट करें, ये ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इनहेल एक्सहेल प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस इसके 4 सेट आप परफॉर्म करिए। ये हमारा लास्ट सेट है एंड इसमें अपना मैक्स वेट लेंगे, बट ध्यान रखें कि जब आप वेट लगाएं तो वो वेट भी सेल्फ हो, 6 से 8 रेप्स आपके होना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं, आप वेट गेन कर रहे हैं तो 6 रेप्स आपके लिए सफिशिएंट हैं, और अगर आपको 8 से 9 महीने वर्कआउट करते हुए हो चुके हैं तो आप 8 से 10 रेप्स भी ले सकते हैं, अगर वेट आपको लाइट लग रहा हो। बट ध्यान इस चीज़ का देना है कि आपकी जो फॉर्म है थ्रू आउट द फर्स्ट सेट जो आई है वही रहना चाहिए, ज़्यादा जर्क्स नहीं लेंगे, सपोर्ट नहीं लेंगे हम। हाँ, आप किसी को पीछे खड़ा कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि आपका जो सेट हो वो सेल्फ हो एंड कंट्रोल में हो। सो ये हमारा सेकंड वर्कआउट है, इंक्लाइन डंबल प्रेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है, कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। आपका जो इंक्लाइन डिग्री है वो 45 डिग्री पे होना चाहिए, दोनों आपके जो फुट हैं वो फ्लोर पे प्लेस हों, ताकि आपको एक काइनेटिक एनर्जी मिले, आपका बैक आर्च हो, शोल्डर रिट्रैक्ट हो,
एंड स्लोली इसको नीचे लेकर आइए एंड प्रेस करिए। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का ध्यान रखिए। अगर वेट हैवी है तो किसी स्पोर्टर को आप पीछे खड़ा करें या फिर जिस फ्रेंड के साथ आप वर्कआउट कर रहे हैं उसको पीछे खड़ा करें। एंड इसके भी आपको चार सेट लेने हैं। पहला सेट आपका वार्म सेट रहेगा, आप उसमें 12 रेप्स निकालेंगे। देन सेकंड सेट, थर्ड फोर्थ में आप 10, 8 और 6 रेप्स निकालेंगे। वेट आप बढ़ाते जाएंगे। ध्यान रखिए हम लोग मास बिल्डिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जब मास बिल्डिंग में आपका जो वेट है वो थोड़ा हैवी रहेगा और रेप्स हम इसमें 10, 8 और 6 से ज़्यादा नहीं लेंगे। और एक वार्म अप सेट ज़रूर लेंगे जिसमें हम 10 से 12 रेप्स निकालेंगे। वर्कआउट के बाद पंप ज़रूर करिए, पोज ज़रूर करिए, जिससे आपके मसल सेट होते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो बहुत से यंगस्टर्स नहीं करते हैं। हमारा जो थर्ड वर्कआउट है डिक्लाइन बेंच प्रेस, ये हमारे लोअर चेस्ट के लिए है। जैसे फ्लैट बेंच प्रेस हमारे लोअर चेस्ट के लिए था, इंक्लाइन हमारे अपर चेस्ट के लिए और डिक्लाइन हमारे अगेन लोअर चेस्ट के लिए। डिक्लाइन वेट आप वही मॉडरेट वेट लेंगे जिसको आप कंट्रोल कर सकें। आपके लेग्स इसमें लॉक्ड रहेंगे, शोल्डर रिट्रैक्ट रहेंगे। इसकी रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा बड़ी नहीं है, सो आप स्लोली इसको नीचे लेकर आएँ एंड उसको फास्टली प्रेस करें। लाते समय, नीचे लाते समय इनहेल एंड ऊपर जाते समय इसको प्रेस करते समय एक्सहेल करें। हम इसके चार सेट लेंगे, एक लाइट वेट से 12 रैप्स, उसमें के बाद फिर 10, 8 और 6 रैप्स के तीन सेट वेट बढ़ा के। जो हमारा चौथा वर्कआउट है वो है हमारा डंबल फ्लाइज। इसको हम इंक्लाइन बेंच पे लेंगे, 45 डिग्री एंगल पे इसको आप सेट करेंगे। इसकी फॉर्म लगभग वैसी है जैसे हम इंक्लाइन डंबल प्रेसेस में लेते हैं, बस इसको हमको वर्टिकली फ्लाइज करने हैं। एल्बो आपकी स्लाइटली बेंड रहेगी। नीचे लाते समय स्पीड कंट्रोल करें, ऊपर लाते समय स्पीड को थोड़ा बढ़ाएँ, उसका टेम्पो थोड़ा हाई रहेगा। इसमें भी इनहेल और एक्सहेल का आप अच्छे से ध्यान रखें, आपके फुट जो हैं वो प्लेस रहें फ्लोर पे। ज़्यादा हैवी वेट लेने की ज़रूरत नहीं है, मॉडरेट वेट लें। तीन सेट लेंगे इसके हम, 10 रैप्स के, 8 रैप्स और 6 रैप्स के तीन सेट इसके। बहुत अच्छा वर्कआउट है, हमारे चेस्ट को शेप देता है, फाइबर्स का वर्कआउट है, ब्लड फ्लो। अगर आप जितना चेस्ट को इंटेंशनली स्क्वीज करेंगे उतना आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा। सो हमारा ये लास्ट वर्कआउट है केबल क्रॉस फ्लाइज, इसे हम डिक्लाइन फ्लाइज बोलते हैं। बहुत सिंपल सा वर्कआउट है, तीन सेट लेंगे 12, 10, 8 के, मैक्सिमम एक्टिवेशन मिलेगा। स्क्वीज करिए नीचे लाते समय जितना आप कर सकते हैं, स्ट्रेट हैंड नीचे ले जाने हैं, एल्बो आपकी रूफ की तरफ रहेंगी। तीन सेट हम इसके लेंगे। इस पूरे वर्कआउट को गाइस 45 मिनट्स में आपको ख़त्म करना है। इससे ज़्यादा हम ट्रेन नहीं करेंगे चेस्ट को, क्योंकि हम मसल बिल्डिंग प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। 8 वीक्स तक ये प्रोग्राम फॉलो करेंगे एंड इस वर्कआउट पे हम चेस्ट को, आज का वर्कआउट जो है वो ख़त्म करते हैं। सो गाइस, ये वर्कआउट था पूरा चेस्ट का एंड जिन लोगों को अपना मास गेन करना है, वेट गेन करना है, वो इस वर्कआउट को कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जो वेट हमने यहाँ लिफ्ट करा है वो हमने अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से करा है। आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट एडजस्ट करना है, ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। सही टेम्पो, सही रेंज ऑफ मोशन और सही राइट वेट के साथ आपको वर्कआउट करना है। न्यूट्रिशन आपको इसके साथ लेके चलना है, विदाउट न्यूट्रिशन कुछ नहीं। सो गाइस, ये आज हमारा चेस्ट का वर्कआउट होगा, कल हम करेंगे लेग्स। ओके, सो ये वीडियो रात को अपलोड करेंगे लेग्स की एंड तब तक सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन